गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से ललिता मैम। आज मैं कक्षा छठी विषय हिंदी पार्ट 3 हार की जीत पढ़ाने जा रही हूँ। अब तक हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पहला और दूसरा। तो वे पार्ट दोनों आप सभी को अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है और नोट करने के साथ साथ में आप सबको उसका रिविजन भी करना है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 हार की जीत। जैसे हार की जीत का अर्थ तो आपको पता ही होगा, जब हम कुछ काम करते हैं मन लगा के, तो हमें उस काम में, अगर हम मन लगा के काम करते हैं तो उस काम में हमको सफलता मिलती है, और हम बेईमानी से करते हैं कोई काम तो हमको हार भी प्राप्त होती है। इसी प्रकार ये हार की जीत क्या है, एक कहानी है। क्या है हार की जीत, एक कहानी है। किसकी कहानी है, खड़क सिंह डाकू की। तो आइए आज हम देखते हैं हार की जीत कहानी। प्रस्तुत कहानी में बाबा भारती अपने श्रेष्ठ विचारों और सद्व्यवहार से डाकू खड़क सिंह के हृदय परिवर्तन का मार्मिक वर्णन किया है, है ना। यहाँ पर किसकी कहानी है, बाबा भारती, जो एक खड़क सिंह नामक डाकू के हृदय को परिवर्तित करते हैं। बाबा भारती अपने घोड़े से परिवार के सदस्य की तरह प्यार करते थे। जो बाबा भारती थे वो अपने घोड़े से कैसे, मतलब सदस्य के समान घोड़े से प्यार करते थे। अपाहिज का वेश धारण कर डाकू खड़क सिंह कपटपूर्वक बाबा भारती का प्रिय घोड़ा छीन लेता है। कौन छीन लेता है, खड़क सिंह बाबा भारती का जो प्रिय घोड़ा होता है उसे छीन लेते हैं कपट से। बाबा भारती को लगता है कि यदि इस घटना का पता लोगों को लग जाए तो वे गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती क्या सोचते हैं, इस घटना का पता अगर गांव में पता चल गया तो सभी लोग गरीबों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वे खड़क सिंह से इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करने के लिए कहते हैं। बाबा भारती इस घटना को खड़क सिंह के सामने कहते हैं कि आप अन्य लोगों के सामने इस घटना के बारे में कोई भी बात नहीं करें। बाबा भारती के विचारों से खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो जाता है। बाबा भारती ऐसा कहते हैं तो जो खड़क सिंह का हृदय होता है वो परिवर्तित हो जाता है, वह घोड़ा वापस कर देता है। इस प्रकार बाबा भारती अपने प्रिय घोड़े को वापस पाकर हार कर भी जीत जाते हैं। इनकी बातें सुनकर जो खड़क सिंह डाकू होता है वो अपने घोड़ा, जो बाबा भारती का घोड़ा था, उन्हें वापस लौटा देते हैं। इस प्रकार जो बाबा भारती रहते हैं अपने प्रिय घोड़े को पाकर भी हार कर भी जीत जाते हैं। ये हमने केंद्रीय भाव पढ़ा है। अब इस कहानी को देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे तो कहानी बहुत बड़ी है, हमारे पास समय कम है, इसलिए हम ये आपको इसको शॉर्टकट से समझा दूंगी। तो किसकी कहानी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, बाबा भारती की। बाबा भारती गांव के बाहर एक मंदिर में रहा करते थे। कौन, बाबा भारती गांव के एक मंदिर में रहा करते थे। उनके पास सुल्तान नाम का एक बड़ा सुंदर बलवान घोड़ा था। बाबा भारती के पास एक बलवान और सुंदर घोड़ा था। उस घोड़े की ख्याति उस इलाके की डाकू खड़क सिंह के पास तक पहुंच गई। उस इलाके में एक खड़क सिंह नाम का डाकू रहता था, और खड़क सिंह को पता चल गया है कि बाबा भारती के पास एक बलवान और सुंदर घोड़ा है। वह उस घोड़े को अपना बनाना चाहता था। खड़क सिंह डाकू जो है वो उस घोड़े को अपना बनाना चाहता था, क्योंकि उस घोड़े की चाल देखकर डाकू की नीयत बिगड़ गई थी। घोड़े की चाल को देखकर खड़क सिंह डाकू की नीयत बदल गई थी। इधर बाबा को भय होने लगा कि कहीं वह घोड़ा उनके हाथ से निकल न जाए। जब उनको थोड़ा ऐसा लगने लगा कि हाँ मेरे घोड़े को कोई चुरा भी सकता है, बाबा भारती को डर लगने लगा कि कहीं मेरे घोड़े को कुछ होना जाए। एक दिन जब बाबा भारती उस घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे, एक दिन की बात है, जब बाबा भारती उस घोड़े पर सवार होकर निकल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कोई अपाहिज पेड़ की छाया में
बाबा भारती ने उनसे पूछा तो उसने कहा कि वह रामवाला नाम के गांव में जाना चाहता है। दयावश बाबा ने उसे अपने घोड़े पर सवार किया। बाबा भारती को उस व्यक्ति पर दया आ गई और उन्होंने उसको अपने घोड़े पर सवार कर दिया। वास्तव में वह अपाहिज नहीं बल्कि डाकू खड़क सिंह था। वो कौन था? अपाहिज व्यक्ति नहीं था, परंतु वह डाकू खड़क सिंह निकला। सवार होते ही वह डाकू घोड़े को लेकर चल पड़ा। जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ वह घोड़े को लेकर चल पड़ा। बाबा ने चिल्लाकर रुकने के लिए कहा। बाबा भारती ने उसे बहुत समझाया, बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु वह नहीं रुका। खड़क सिंह ने घोड़ा रोककर बाबा से कहा, यह घोड़ा अब उसका हो गया है। जब बाबा भारती चिल्ला रहे थे तो खड़क सिंह ने घोड़ा रोका और कहा कि अब यह घोड़ा मेरा हो गया है, वह इसे नहीं लौटाएगा। खड़क सिंह कहने लगा, मैं अब इस घोड़े को नहीं लौटाऊंगा, अब यह घोड़ा मेरा हो गया है। बाबा ने घोड़ा उसे सौंप दिया। बाबा भारती ने घोड़ा उसे सौंप दिया। यह बाबा की हार थी। जब बाबा ने हार मान ली और उन्होंने प्रयत्न नहीं किया घोड़े को छीनने का, तो ये बाबा भारती की क्या थी? हार थी। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए, जब कोई हमसे कोई चीज छीनने की कोशिश करे तो हमें उसे आसानी से दे देना चाहिए? नहीं, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जब तक हमारी चीज नहीं मिले तब तक हमें निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। परंतु इसमें इस पाठ में बाबा भारती ने जब खड़क सिंह डाकू उनका घोड़ा लेकर चले जाता है और जब बाबा भारती उनसे अपना घोड़ा मांगते हैं और खड़क सिंह मना कर देता है कि यह घोड़ा अब मेरा हो गया है, अब मैं आपको घोड़ा नहीं दूंगा, तो बाबा भारती आसानी से हार मानकर घोड़ा उन्हें सौंप देते हैं। उसने खड़क सिंह से निवेदन किया है कि वह इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करे। मतलब उन्होंने घोड़ा तो उन्हें दे दिया, परंतु वे उनसे खड़क सिंह डाकू से निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारे बीच जो चर्चा हुई, जो बातें हुई है, वो आप अन्य लोगों के सामने नहीं कहे। डाकू के कारण पूछने पर बाबा ने कहा, डाकू ने पूछा क्यों नहीं बताऊंगा, तब बाबा ने कहा, लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किस गरीब पर भी विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती कहने लगे कि गांव में अगर लोगों को पता चल जाएगा तो लोगों का गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा। इस बात का डाकू पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाबा भारती की यह बात सुनकर डाकू पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह एक रात मंदिर में आकर उस घोड़े को छोड़ गया। जब उसने मतलब एक रात भर उसने सोचा कि मतलब मैंने इतना कुछ करा, फिर भी बाबा भारती कहने लगे कि तुम हमारे भी जो भी बात हुई है वो अन्य लोगों के सामने उन बातों को मत करना, और उन्होंने मुझे डांटा भी नहीं, मारा भी नहीं, वे चाहते तो किसी लोगों को प्रेरित कर सकते थे कि ये मेरा घोड़ा चुरा कर ले जा रहा है, परंतु बाबा भारती ने ऐसा नहीं किया। इन बाबा भारती की बातों को सुनकर खड़क सिंह का जो मन था, हृदय था, वो परिवर्तित हो जाता है और वो एक रात मंदिर में आकर उस घोड़े को छोड़ जाते हैं। घोड़े को वापस पाकर बाबा की जीत हो गई। जब दूसरे दिन बाबा भारती ने घोड़े को देखा तो बाबा भारती खुश हो जाते हैं और उनकी जीत हो जाती है। तो एक टाइम बाबा भारती की हार होती है और दूसरे टाइम उनकी जीत होती है। उसी प्रकार हमारा जो पाठ का नाम था हार की जीत, हार कर भी वो जीत जाते हैं, तो हमें कभी कभी हार कर भी जीत प्राप्त होती है। तो हार जाए इसका मतलब यह नहीं कि हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हमें प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें एक न एक दिन हार मतलब सफलता जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं, तो आप सभी बच्चे किताब में शब्दार्थ देखना और फिर कॉपी में नोट करना है। क्वेश्चन आंसर है, रिक्त स्थान है, आगे का जो कुछ अभ्यास है वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दूंगी। तो आप सभी को
फेयर कॉपी बनाना है और उसमें जो मैं पीडीएफ भेजूंगी आपको नोट करना है। तो ये कहानी किसकी थी? बाबा भारती और खड़क सिंह डाकू की। जो बाबा भारती खड़क सिंह डाकू था उसका हृदय परिवर्तन कर देते हैं। आया सभी को पाठ समझ में?